सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज वर्ग दो के इंग्लिश का पेपर है, जिसमें पेपर वन और पेपर टू में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पेपर वन की कठिनाई का स्तर क्या है, पेपर टू का कितना स्तर है, मतलब मुख्य विषय कैसा आ रहा है, आपका 120 मार्क्स का कैसा आ रहा है। तो आज से स्टार्ट हुए हैं वर्ग दो के जो पेपर, उनका एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। अभी बड़ी ही जल्दी बच्चे आने वाले हैं, तो उनके साथ हम वार्तालाप करेंगे किस तरीके से उनका एग्जाम आज का रहा। और बाकी हिंदी क्वेश्चन था, अच्छा यूनिट पूछा था, और बाकी हिंदी के थे क्वेश्चन। और इंग्लिश वाले मेन इंग्लिश में क्या है, 120 क्वेश्चन थे। और पेडागोजी, हाँ ये सब थोड़ा बहुत सब कुछ था। पेडागोजी क्वेश्चंस पता है कितना हुए, संख्या में कितना आए होंगे पेडागोजी क्वेश्चन? लगभग 10-15 पेडागोजी के, बाकी मतलब 90 करीब आपके उसके आए। हाँ नहीं उस काफी यानी अलग क्वेश्चन थे, ये बाकी एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह काफी पूछे थे, ठीक है, और ये पैराजंबल वगैरह थे। हाँ ये काफी क्वेश्चन। थैंक यू। बताइए 120 नंबर में कैसा रहा पेपर आपका? उसमें पेडागोजी कितने क्वेश्चन आए? 10 क्वेश्चन ही आया, ठीक है, मतलब पहले से हमारा भी अंदाज यही था कि 10-15 ही क्वेश्चन आएंगे। और मेन सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक ज्यादा आए? सब्जेक्ट में जैसा अजम्पशन था उस उतना खास आया नहीं, सिर्फ एक्टिव पैसिव से रिलेटेड कम से कम 50 क्वेश्चन थे। केवल एक्टिव पैसिव? ओके। नरेशन वगैरह और पैराजंबल वगैरह कुछ भी नहीं? पैसेज वगैरह पैसेज था, एक पैसेज था पोएम से रिलेटेड, एक था पैरा से, और पांच क्वेश्चन थे इनके। पांच बाकी का के लिए भी कुछ खास नहीं थे, दो चार क्वेश्चन थे। हां वोकैबुलरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, थोड़ा टफ था। मतलब ओवरऑल मार्क्स कितने आ रहे बच्चों के यहां पर? मेरे लैब में सिर्फ दो ही लोगों ने 90 क्वालिफाई किया, केवल दो लोगों का ही है, मतलब टफ आया है पेपर। और 30 मार्क्स में चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह? 30 मार्क्स में 10 नंबर की तो पेडागोजी रहती है, बाकी का 5 नंबर का है। 30 मार्क्स में चाइल्ड डेवलपमेंट आया होगा? नहीं नहीं, उसमें 10 नंबर का तो चाइल्ड डेवलपमेंट था, बाकी का हिंदी था, 8 नंबर का और मैथ्स वगैरह, 5 का इंग्लिश था, और रीजनिंग मैथ्स में भी काफी क्वेश्चन है, मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन थे, एमपी जीके के 2 क्वेश्चन थे। चलिए बढ़िया, थैंक यू। हां मैम कैसा रहा पेपर? सर मेरे 89 मार्क्स हैं। अरे बढ़िया। और वोकैबुलरी थोड़ी टफ थी। अच्छा अच्छा। पैसेज नॉर्मल था, पोएम पैसेज ज्यादा आए हैं उन्होंने, पैसेज वगैरह नहीं। हां ओके ओके। और 30 मार्क्स वाला कैसा रहा पेपर, मतलब उसमें कैसा रहा? ओवरऑल सब बढ़िया रहा, लेकिन ये है कि ज्यादा टफ था। टफ था तो आपकी 89 है, तो हाँ। वो तो नॉर्मलाइजेशन में आपका निकल जाएगा, फिर उसमें नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेपर ओवरऑल टफ आया है ना, तो इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में 1-2-3 ऊपर हो जाते हैं। बढ़िया है, मेंस की तैयारी करें फिर आप, है ना। पेपर का स्तर तो ऐसा था मुसीबत, क्योंकि जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में एक भी क्वेश्चन नहीं था, पार्ट ऑफ स्पीच में एक भी क्वेश्चन, और पेडागोजी की ऐसी हाई लेवल की थी, ग्रेड वन में क्वालिफाई हूँ लेकिन ग्रेड टू की पेडागोजी से भी हाई लेवल आई, बहुत हाई लेवल। और मतलब पेडागोजी क्वेश्चंस कितने आए? पेडागोजी के क्वेश्चन आए समथिंग 50-60 के समथिंग, और बाकी एक्टिव स्पेसिस में जाएंगे समथिंग 30-40। अच्छा, मतलब एक टॉपिक से इतना ज्यादा क्वेश्चन? और मैं बोलता हूँ पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच कुछ भी नहीं पूछा उसने, एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा। तो वर्ग एक में भी तो ऐसा हुआ ना, वर्ग एक मैथ्स इन सब में देखा जाए तो उन्होंने एक दो टॉपिक उठाया, उसे पूरा पेपर बना दिया, बाकी पे कुछ देखा ही नहीं उसने, मतलब अल्टीमेटली वर्ग दो में उन्होंने वही किया है अल्टीमेटली। हाँ क्योंकि इससे अंदाज जरूर लग रहा है हमको कि मतलब कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनमें 2-3 टॉपिक उठाते हैं, उसी में ही मैक्सिमम बना देते हैं, और कई सारे टॉपिक तो छुआ ही नहीं जाता, लेकिन विद्यार्थी तो सब कुछ पढ़ता है, ओवरऑल पढ़ के जाता है। मार्कोनी वगैरह टॉपिक में कहीं नहीं आ गए, वो भी आ गए। हां मतलब सिलेबस भी लग रहा है ऐसा आया हुआ, ओवरऑल टफ आया है पेपर। वर्ग दो का पेपर देखा जाए तो काफी टफ लेवल आया है, अगर देखा इसमें इंग्लिश वाले सभी विद्यार्थियों से बात करने के बाद ये पता चलता है कि चीजें जो नहीं भी थी सिलेबस में उनको भी पूछा जा रहा है, साथ ही साथ पेपर वन और में जो आपका जैसा सेक्शनल बोला था कि चाइल्ड डेवलपमेंट कितने नंबर का आएगा हिंदी का, इतना वैसा ही पूछा गया है। पेडागोजी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, 10-15 क्वेश्चन विद्यार्थियों ने बताए हैं, इतने ही आए, तो आने वाले जितने भी एग्जाम है उनमें भी यही लग रहा है कि पेडागोजी मैक्सिमम 20 तक जाएगा, पूरा का पूरा पेपर आपका 120 में 100 नंबर सिर्फ सब्जेक्ट का आने वाला है। हाँ ये जरूर है कि कई सारे टॉपिक वाइज उन्होंने ज्यादा पूछा है, कुछ टॉपिक्स को छोड़ दिया है। धन्यवाद। क्या रहा पेपर का आपका आज? पेपर लेवल अच्छा था। हाँ वोकैब ज्यादा पूछी, सिनोनिम बहुत ही ज्यादा पूछे, एंटोनिमिक भी नहीं आया, ओके, इडियम फ्रेज के थोड़े कुछ क्वेश्चन थे और उनमें भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ओके, जैसे बच्चे एक्टिव पैसिव भी बता रहे बहुत आए हैं, बहुत सारे एक्टिव पैसिव भी आया है, ओके, मैक्सिमम एक्टिव पैसिव और
वो वाले जो आते हैं ना, वो वाले जो मिक्स वर्ड से भी क्वेश्चन आए थे बहुत सारे। एरर फाइंडिंग भी आई होगी, एरर फाइंडिंग के पैसेज वगैरह भी कुछ पैसेज थे, क्वेश्चन दो पैसेज थे, एक मतलब दो तीन पैसेज थे, पैसेज थे। और जो 30 मार्क्स वाला जो पार्ट है उसमें से क्या करा? उसमें रीजनिंग के एक दो क्वेश्चन थे और जीएस में दो तीन कंप्यूटर के पूछ लिए थे और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के भी क्वेश्चन, चाइल्ड डेवलपमेंट का होगा पेडागोजी आपको 120 में, सीडीपी के क्वेश्चन, हाँ सीडीपी के। और इसमें जो 120 में पेडागोजी जो आई होगी शिक्षण शास्त्र, उसमें कितने क्वेश्चन थे? बहुत कम ही थे, 10-12 था, ज्यादा ज्यादा होंगे। मतलब मेन सब्जेक्ट ही ज्यादा, मेन सब्जेक्ट वो पढ़ लो अच्छे से तो हो जाएगा मेन सब्जेक्ट। हाँ। उसमें भी कुछ टॉपिक्स ही ज्यादा आए, हाँ कुछ, जैसे नरेशन एक क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, ओके एंटोनियम का एक क्वेश्चन नहीं आया, सब सिनोनिम आए, वो भी अच्छे आए। तो अभी आप क्या सजेस्ट करोगे कि दो तीन टॉपिक कौन से अच्छे होंगे जो पढ़ लो अच्छे से, बस वही ज्यादा वो अच्छा है। ओके आपके कितने मार्क्स आए? मेरे 92। चलो बढ़िया, मेंस की तैयारी करें, धन्यवाद। एक दो टॉपिक से ही मैक्सिमम चीजें पूछ ली गई हैं, 40 से 50 क्वेश्चन बच्चे बोल रहे हैं कि वह इलेक्टिव पैसिव से ही पूछ लिए। सबसे ज्यादा जो आने वाले एग्जाम है, जैसे विद्यार्थी ज्यादा परेशान था, मुझसे बार बार बोल रहा था सर पेडागोजी का क्या होगा, तो ये बात अब पिक्चर क्लियर हो गई है। पेडागोजी के 10-12 क्वेश्चन आए हैं, तो जैसा स्टार्टिंग से लेकर अंत तक मैं कहता आया हूं, आप लोगों के पेडागोजी 20 से ऊपर नहीं जाएगा, तो देखो वही हुआ, 20 के ऊपर पेडागोजी नहीं जाएगी, आपका मुख्य सब्जेक्ट ही 100 नंबर का आएगा, इतना समझे। आने वाली तैयारी को अच्छा करें और अच्छे से एग्जाम दें। टॉपिक कई बार ऐसा है, कई सारे छोड़ दिए जा रहे हैं, कई सारे एक ही दो टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पेपर वैसा ही वर्ग 1 में ही बना था, वैसा ही वर्ग 2 में भी बन रहा है। धन्यवाद।